तो गाइस जैसा आप लोगों का कमेंट था बहुत सारा कि आप TWE ईयरफोन के ऊपर वीडियो लाओ, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। और एक नहीं लाए, यहां पे हमने 5 TWE ईयरफोन सिलेक्ट किया है और इसे हम नेकबैंड भी बोलते हैं। ओके गाइस, और ये जो नेकबैंड होने वाला है इसका प्राइस 500 से कम होने वाला है, क्योंकि 500 से जब आप ऊपर जाते हो तो आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट बजट में अच्छा सा जो TWE है आपके लिए लेकर आ गए। हमने यहाँ पे जो प्रायोरिटी रखा है साउंड हो गया, सेकेंड हमने बिल्ड क्वालिटी एंड थर्ड बैटरी लाइफ अच्छा होना चाहिए। ओके गाइस, और गाइस एक चीज और, अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टेक प्रोडक्ट है जिस पर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट में जाकर लिख सकते हो जिस भी प्रोडक्ट पे आपको वीडियो देखना है, जितना जल्दी होगा मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ओके गाइस, और गाइस आपको इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मेंशन स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए इसमें से कौन सा बेस्ट TWE होगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे 5 TWE रखे हुए हैं और यहाँ पे जो नंबर 5 पे है ये जो TWE ये आता है वायरलेस ब्रांड के तरफ से, इसका नेम ही वायरलेस है और चलिए जो भी है। और ये रहा TWE, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सभी का अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, और सभी बॉक्स कंटेन में आपको ईयर टिप्स हो गए एंड इसके बाद आपको एक चार्जिंग केबल मिलता है। और गाइस सभी TWE में जो चार्जिंग इंटरफेस होने वाला है ये माइक्रो USB होने वाला है, अभी सभी चीज़ बता दिया क्योंकि बार बार मुझे यही चीज़ बोलना पड़ेगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए, तो गाइस ये जो TWE इसका प्राइस 400 है और 400 में जो इसका बिल्ड क्वालिटी है इतना कुछ इंप्रेसिव है नहीं, और बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे उतना पसंद आया नहीं है। इसके बाद हम बात करें इसका साउंड क्वालिटी का, तो साउंड भी यहाँ पे किसी तरह से बैलेंस नहीं किया गया है, ना ट्रैवल अच्छा है, ना यहाँ पे आपको बेस वगैरह सही से सुनाई देगा, वोकल वगैरह भी ऐसा लगेगा जैसे आपके आपको इरिटेट वगैरह करेगा इसका साउंड, तो मुझे इतना पसंद आया नहीं है। और प्लस बैटरी लाइफ जो है 2 से 3 घंटे के आसपास चलेगा, तो आई थिंक 400 रुपये यहाँ पे टोटली वेस्ट है क्योंकि इससे अच्छा था आप 200 का ईयरफोन ले लोगे। ओके, तो ये जो TWE है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इसे हटा देते हैं। जो चौथे नंबर का TWE है गाइस, ये आता है एक टाइगॉट की तरफ से आता है, अब ब्रांड तो मैं पहली बार ही सुना हूं। तो ये जो ईयरफोन है कुछ इस तरह का होने वाला है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इसका भी कुछ खास है नहीं, बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी चीप लग रहा है। और यहाँ पे आपको मैग्नेट वगैरह का देखने को मिल जाएगा, ये जो आप जैसा देख रहे हो ये मैग्नेट से चिपक जाता है। और इसके बाद ये जो TWE बहुत ही चीप लग रहा है यार लिटरली, और इसका जो साउंड है बेस थोड़ा सा ज़्यादा है, ट्रैवल बहुत ही कम है और वोकल वगैरह क्लियर नहीं है, तो साउंड इसका भी आपको पसंद नहीं आएगा। और बैटरी यहाँ पे आपको 4 से 5 घंटे का देखने को मिलने वाला है, तो ये नंबर 4 पे था इसीलिए क्योंकि इसमें कुछ भी अच्छा मुझे नहीं लगा है। ओके गाइस, और गाइस ये जो TWE आता है 474 रुपये का, और आई थिंक 450 रुपये में अच्छा नहीं है गाइस, इसे भी आप मत लो। तो गाइस यहाँ पर जो अब 3 TWE बचे हैं ये काफ़ी अच्छा भी होने वाला है, और कुछ ऐसे चीज़ है जो आपको नंबर 1 में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो जो सबसे पहले नंबर पे है ये टेक फायर ब्रांड के तरफ से आता है, और ये जो TWE इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और ये भी आपको लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा कर दिया गया, इसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, और प्लस में इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वायर का ये आपको ब्रेडेड टाइप देखने को मिलेगा, बट ब्रेडेड है नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केबल यहाँ पे दिया गया है। मैग्नेटिक लॉकिंग सिस्टम है और आपके कान में काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाएगा और कंफर्टेबल भी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में तो ठीक है। यहाँ पे साउंड क्वालिटी में इसका ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा है, बेस थोड़ा सा कम है एंड वोकल वगैरह काफ़ी क्लियर है, तो साउंड ओवरऑल ठीक ठाक है और इससे बेटर साउंड इस 2 TWE में होने वाला है, इसलिए नंबर 3 पे है। ओके, और इसका जो बैटरी लाइफ है 10 घंटे का आपको देखने को मिलेगा, तो आई थिंक 10 घंटे का बैटरी लाइफ ओवरऑल काफ़ी सही है, और जो इसका प्राइस है 500 है। अब गाइस जो यहाँ पे 2 TWE है इसका भी प्राइस 500 ही है। सेकेंड TWE पे आते हैं जो आता है वीकुल के तरफ से, और ये न्यू लॉन्च TWE है, अभी जस्ट ही लॉन्च हुआ है। ये जो TWE इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा लगा है। जो इसका बिल्ड क्वालिटी है पूरा रबर मटेरियल है, तो आराम से आप जिस भी तरह से चाहो आराम से आप लगा कर रख सकते हो। प्लस में जो इसका ये है यानी कि ईयरबड्स है ये काफ़ी अच्छे तरीके से लॉक हो जाता है, ये भी यहाँ पे मैग्नेट दिया गया है, और प्लस में ये आपको कुछ रियलमी टाइप जैसा दिखेगा, और इसका जो ये एरिया है मुझे काफ़ी हेवी लग रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में तो ओवरऑल बहुत ही सही है। इसका जो इसका साउंड है, साउंड यहाँ पे बेस एंड ट्रैवल को थोड़ा सा बैलेंस और किया जा सकता था। तो ये जो नेकबैंड है इसका बैटरी लाइफ आपको 12 घंटे का देखने को मिलेगा, तो बैटरी यहाँ पे सही है बट साउंड में मुझे थोड़ा सा कमी लगा है, जिसके वजह से मुझे इसे नंबर 2 पे रखना पड़ा है। तो गाइस यहाँ पर जो नंबर 1 पे जो TWE है ये आता है एमरेन ब्रांड की तरफ से, और ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको,
बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिया गया है। 500 मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा इसका बिल्ड क्वालिटी होगा। यहाँ पे जो इसका रबर का मटेरियल है बहुत ही सॉफ्ट भी है और आराम से आपके नेक में आ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका जो लॉकिंग सिस्टम है ये भी बहुत ही कमाल का है। तो गाइस ये जो TW इसका जो ईयर टिप्स है कुछ इस तरह का डिज़ाइन होने वाला है। आप जब स्पोर्ट वगैरह करते हो यानी कि रनिंग वगैरह करते हो या आप जिम में जाते हो तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ताकि ये आपके कान में से गिरेगा भी नहीं। और प्लस में जो ये काफ़ी अच्छे तरीके से फिट भी हो जा रहा है जैसा आप देख सकते हो, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसकी वजह से क्योंकि इसका बिल्ड एंड डिज़ाइन बहुत ही कमाल का है। सेकेंड, इसका जो साउंड क्वालिटी है साउंड भी यहाँ पे कम नहीं है। साउंड में बेस एंड ट्रेवल काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है। वोकल थोड़ा सा कम है बट 500 का जो प्राइस सेगमेंट में ये आता है इस हिसाब से काफ़ी सही है। और जो बैटरी है यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैटरी कम लगेगा, 6 घंटे इसका बैटरी चलता है, 1.5 घंटे आपको चार्ज करने पड़ेंगे, फिर भी आई थिंक साउंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है, तो बैटरी भी 6 घंटे का कम नहीं है, आराम से आप पूरे दिन यूज कर सकते हो और बहुत ही सही ये नेकबैंड आपके लिए हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे जो हमने टॉप 5 TWE आपको दिखाया, इसमें से अगर आपको कोई लेना है तो आप ले सकते हो एम्ब्रेन का TWE और बिल्कुल भी ले सकते हो। अगर आपको एम्ब्रेन लेना है तो बैटरी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा और इसमें आपको बैटरी ज़्यादा देखने को मिलेगा इसके मुकाबले, और साउंड वाइज आप लेना चाहते हो तो फिर आपके लिए एम्ब्रेन बेस्ट ऑप्शन है, इसे आप ले सकते हो। ओके गाइस, तो ये थे टॉप 5 TWE। आई होप गाइस आपको ये काफी अच्छा लगा होगा, और सभी TWE का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, आप जाकर आराम से आप जो भी TWE लेना है आप ले सकते हो, बट आई रिकमेंड यू कि आप यही दोनों में से कोई TWE लो। आई होप गाइस आपको वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। माइंड में कोई क्वेश्चन है इस TWE के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो इन्वेंशन स्टोरी को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप आ सके। मिलते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।